धनबाद से ये बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बिल्डर और कमर्शियल रेंटर्स के बीच लड़ाई हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मारपीट का मामला सामने आया। बिल्डर्स के गुर्गे हथियार लहराने का इन पर आरोप है। सिटी सेंटर में बिल्डर गुर्गों ने किया जमकर बवाल। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। धनबाद के सिटी सेंटर में बिल्डर और कमर्शियल रेंटर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां दुकान चला रहे संचालकों ने बिल्डर के गुर्गों पर हथियार लहराने का आरोप लगाया है। वहीं रेजिडेंशियल भाग में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डर रेजिडेंशियल साइट में पाइप निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये विवाद चल रहा है, आज इसी को लेकर मारपीट की घटना हुई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले को सुलझाने में जुट गई है। जाने से बस लौटने के क्रम में इनको दो जन मिल करके मारा। कौन है? एक संतोष सिंह और एक संतोष भाई सब आदमी है मारा। उसके बाद हम लोग पीछे थे, पीछे से हम जैसे ही आ रहे हैं उनको भी पकड़ करके बोला कि ये लोग तीन चार जन है जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसमें हमको और फिर ये सेक्रेटरी शर्मा जी को, इनका भी ये जबकि पुलिस विभाग से रिटायर हैं, इनको भी कॉलर पकड़ लिया। और उसके बाद इनको भी बोला कि आप लोग बीच में मत पड़िए, सुरेंद्र जिंदल हर्षित जिंदल का इसमें आदेश है, हम लोग करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बिल्डर की लड़ाई हो गई, हाथापाई का आरोप लगा है बिल्डर के गुर्गों पर। आपको बताते चलें कि धनबाद के सिटी सेंटर में बिल्डर और कमर्शियल रेंटर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां दुकान चला रहे संचालकों ने बिल्डर के गुर्गों पर हथियार लहराने का आरोप लगाया। वहीं रेजिडेंशियल भाग में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डर रेजिडेंशियल साइट में पाइप निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसके विरोध में ये मारपीट हुई। पूरा मंदिर का फोटो देखिए, नीचे तो है बाहर नहीं जाएगा।